नमस्कार फरीदाबाद, हम लोग हैं विधायक नरेंद्र गुप्ता जी के साथ और कल एक वीडियो ओल्ड फरीदाबाद के बाजार से वायरल हुआ था। लगातार बात चल रही थी, लोगों ने वहां जो नवनिर्मित सड़क है बाजार की उस पर थोड़ी आपत्ति जताई थी। लोगों ने कहा था कि ये घटिया क्वालिटी में बनी है सड़क। इसी के संबंध में आज पूरी फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के संबंध में बात करेंगे विधायक नरेंद्र गुप्ता जी से और जानने की कोशिश करेंगे कि जो विकास कार्य चल रहे हैं उनके क्या हालात हैं। गुप्ता जी, सबसे पहले तो ओल्ड फरीदाबाद बाजार की वो जो सड़क 70 लाख की सड़क आप ही की पोस्ट से उठाया था जी। देखिए सौरभ जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। 70 लाख का टेंडर 2019 में दिया गया था और उसमें आधा हिस्सा स्मार्ट सिटी के द्वारा बना दिया गया था, पर टेंडर की राशि पहले टेंडर अलॉट किया था, अधिकारियों के संज्ञान में है। जैसे ही मुझे पता लगा कि 70 लाख की सड़क है, पूरी जानकारी मैंने ली है, तो मुझे जानकारी मिली है कि अग्रसेन चौक से जो जूस कॉर्नर है वहाँ तक की रोड बनानी थी, वो 2019 में करीब 19 लाख रुपए का काम इस सड़क पे हुआ था। उसका पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को करीब 2 महीने पहले दिलाया था। मैं दुकानदार ओल्ड फरीदाबाद के दुकानों पे गया था, वहाँ के RW के जो दुकानदार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है राजपाल जी, उन्होंने मुझे बताया कि रोड की हालत बहुत ख़राब है। अधिकारियों से पता करने के बाद मुझे संज्ञान में मेरे में आया कि इसका एक फाइनल लेयर बाकी है, जो 30 mm की लेयर इस रोड पर डलनी थी। 2019 से उसका पेमेंट ना होने की वजह से ठेकेदार ने वो लेयर नहीं डाली थी। तो जब अधिकारियों के द्वारा उस कॉन्ट्रैक्टर से संपर्क किया और उसको पेमेंट मिलने के बाद उसने लेयर डालने का काम किया, तो निश्चित ही चाहे वो 1 लाख रुपए का काम हो, चाहे वो 70 लाख का काम हो, चाहे 9 लाख का काम हो, मोदी जी और मनोहर जी की सरकार में क्वालिटी के साथ कोई भी कंप्रोमाइज हम होने नहीं देंगे। जैसे ही मुझे पता लगा कि वो रोड रात को बनाई जा रही है और वहाँ के दुकानदार भाइयों का मेरे को फ़ोन आया कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, पैर से ही रोड उखड़ रही है, तभी मैंने एक्शन फरीदाबाद जो Division 3 के उनको आदेश दिया और इमीडिएटली 10 तारीख को उन्होंने, आपका वीडियो तो ये अब चल रहा है 13-14 तारीख को, हमने 10 तारीख को जैसे लोगों की समस्या, आपको जैसे जैसे पता लगा, पर जैसे मुझे पता लगा उसके अगले दिन ही मैंने उसको कॉन्ट्रैक्टर को अपना वार्निंग लेटर जारी कर दिया गया है और उसके सैंपल्स उठा के टेस्ट करने के लिए मैंने बोला है कि क्वालिटी जो बिटुमिन की कितने परसेंटेज होनी चाहिए वो चेक करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरी फरीदाबाद की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि डेवलपमेंट के काम के साथ साथ क्वालिटी पे भी हम लोग मॉनिटर करेंगे। सभी अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वो समय पे जब काम होता है वहाँ रहें और संज्ञान लें कि सही क्वालिटी का काम हो, सही थिकनेस में हो। लोगों को फरीदाबाद में एक नया कल्चर हम पैदा करने जा रहे हैं। पहले हमने देखा था जब टाइल्स लगती थी, कोई टाइल लगाने से पहले GSP वगैरह नहीं डालता था। अब जो वर्क ऑर्डर के काम हैं उसमें हम अपने कार्यालय के द्वारा भी, समाज सेवकों के द्वारा भी और आपके द्वारा भी हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे संज्ञान में आता है काम से पहले भी ध्यान रखें कि अच्छे क्वालिटी के काम हों। और इस ओल्ड फरीदाबाद की जो मेन बाजार की जो मार्केट में जो 30 mm की लेयर का काम था, करीब मुझे अधिकारी ने बताया 9 लाख रुपये का करीब ये काम है। 70 लाख के टेंडर में सिर्फ 9 लाख का काम ही होना था और इसकी क्वालिटी की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जो भी कमी है ठेकेदार उसको बिल्कुल दुरुस्त करेगा और वो दुरुस्त नहीं करता है तो कोई पेमेंट उसका नहीं दिया जाएगा। एक और वहाँ दुकानदारों को समस्या आई कि गलियाँ जो हैं जो मुख्य सड़क से जुड़ती हैं बाजार की मुख्य सड़क से, उन गलियों को जोड़ने वाले जो छोटे छोटे हिस्से हैं उन पैचेस को छोड़ दिया गया। अब ना तो उनका टेंडर सड़क के साथ है और ना गलियों के साथ है। अब वो छोटे 10x10 के टुकड़े रह गए, वो बिल्कुल नंगे पड़े हैं, उन पर कोई रोड़ी नहीं डाली गई, कोई उस तरह की समस्याएं भी वहाँ देखने को। ये समस्या बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। ये हमारे इंजीनियरिंग डिवीजन के जो JEE और SDOs हैं उनकी बड़ी लापरवाही की बात है कि जब वो टेंडर बनाएं, जब वो वर्क ऑर्डर बनाएं, उसके आसपास के क्षेत्र का दौरा करें और उन्हें लगता है कि उसके आसपास के कनेक्टिंग रोड्स को भी कारपेटिंग करने की जरूरत है तो टेंडर में उसको दिखाएं, मैप होता है टेंडर के साथ वर्क ऑर्डर के साथ में, उस मैप में कनेक्टिंग रोड्स को भी दर्शाना चाहिए। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, मैं निश्चित ही सारे अधिकारियों को बुलाकर इस संबंध में संज्ञान लूंगा। और जो अभी नए टेंडर्स बन रहे हैं, देखिए स्मार्ट सिटी के द्वारा काम पहले से ऑलरेडी अलॉटेड थे, मैंने उसमें बहुत चेंजेस कराए हैं और FMDA के द्वारा फरीदाबाद को नई स्वरूप देने जा रहे हैं हम लोग। मैं आपके माध्यम से, मुझे आज पहली बार मौका मिला है क्योंकि मैं आपके वीडियो कभी देखता हूँ, जनता की समस्याओं को आप बहुत अच्छी तरीके से उठाते हैं, पर मैं आपके माध्यम से पूरी फरीदाबाद की जनता को और जो व्यूवर्स आपको देखते हैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि ये फरीदाबाद, नया फरीदाबाद बनने जा रहा है। मेरे विधानसभा की जितनी भी मेन रोड्स हैं,
एक डेवलप्ड रोड के रूप में हम उसको बनाने जा रहे हैं। देखिए कंसेप्ट होता है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और फरीदाबाद भी डेवलपिंग सिटी के नाम से आएगा, पर मैं फरीदाबाद सिटी में जितनी भी रोडें अब बनने जा रही हैं FMDA के द्वारा, वो डेवलप्ड रोड के कंसेप्ट पर बनाने जा रहे हैं। वो रोड जिसको आने वाले 20 साल तक कोई भी और काम करने की जरूरत ना पड़े, पूरी प्लानिंग के साथ एज टू एज, एक किनारे से दूसरे किनारे तक जितनी भी चौड़ाई उसकी है, उसकी जो भी यूटिलिटीज हैं, उन सब का ध्यान रखते हुए रोड बना रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी तो जो रोड बन के तैयार हुई हैं, सेक्टर 12 जो हमारी कोर्ट रोड थी जिसपे बहुत हमारे ज़िले के लोग आते हैं चलते हैं, वो जल्दी में हमने सिर्फ बीच में 7 मीटर सेंटर वर्ष से एक तरफ और 7 मीटर सेंटर वर्ष से दूसरी तरफ बनाई है। अभी तो उसके साथ बहुत सारा काम होना है। सेंटर में सुंदर लाइटें लगाएंगे, 7 मीटर के बाद में 1.5 से 2 मीटर चौड़ी टाइल्स लगाएंगे, जो जहाँ अगर पेड़ आएंगे तो उसके बीच में भी टाइल्स लगा कर, क्योंकि लोग सेक्टर जब आते हैं कोर्ट में, DC कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आते हैं, सिविल कोर्ट में आते हैं, तो उनको पार्किंग की भी समस्या होती है। जब तक हम पार्किंग नहीं बनाते तब भी लोगों को अच्छी वहाँ पे सुविधाएं मिलें, बहुत चौड़ी रोड हो, लाइटें हों, साइड में पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ बनाएंगे, उसके अलावा ग्रीनरी बनाएंगे, उसके बाद में साइकिल ट्रैक बनाएंगे। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि जितनी भी रोड, चाहे वो मेट्रो सिनेमा के साथ, मेट्रो हॉस्पिटल के सामने से रोड है, इसी कंसेप्ट पे उसको बनाने जा रहे हैं। 15A, 16A और 16 और 17 की रोड है, उसको भी इस तरह बना रहे हैं। और अभी भी आपके माध्यम से मैं फरीदाबाद की जनता को खुशखबरी देना चाहता हूं कि इन रोड्स को पूरा करने के बाद अब YMC रोड पे भी काम चालू करा दिया है। जनता की समस्याओं को, परेशानियों को देखते हुए YMCA को एक हम लेन पहले बना रहे हैं, एक लेन को जब बना के चालू कर देंगे तो तब दूसरी लेन को बनाएंगे इसी कंसेप्ट पे, क्योंकि धूल की बहुत बड़ी समस्या है। रोड के साथ साथ जो बाकी मिट्टी रहती है, ग्रीनरी मेंटेन नहीं होती थी, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं कि हम सब मिलकर, और अधिकारियों को भी आदेश दिए हैं कि इसकी भी एक प्लानिंग करके दें, और उसके बाद जो खाली जगह है उसको भी एक ग्रीनरी में डेवलप करें। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर भी चाहते हैं कि हम जब नोएडा में जाते हैं तो ग्रीनरी पे बहुत बड़ा काम हम देखने को मिलता है, तो फरीदाबाद में आने वाले समय में एक नया फरीदाबाद, जैसे मैं बोलता हूँ, जल्दी 5-6 महीने में आपको एक नया स्वरूप फरीदाबाद का देखने का मिलेगा। 89 कॉन्स्टेंसी जो फरीदाबाद की मेन हमारे सेक्टर्स की लोग यहाँ रहते हैं, उनको बहुत अच्छा एहसास होने जाएगा। और मेरे अपने जो और भी रोड्स हैं, मैं उनकी भी सूचना आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुले दिल से मेरे को बहुत पैसा दिया है और बोला है जितना भी काम कराना है, इतने इतने डेवलपमेंट के काम है, जो लोग सोचते हैं घर में बैठ के, दल बदलू लोग भी जिन्हें कहते हैं कि मेरे को कुछ जानकारी नहीं है, उनको बताना चाहता हूं इस टिप्स पे, यहां आपके माध्यम से मैं 2 घंटे तक डेवलपमेंट के ऊपर और क्षेत्रों के ऊपर बोल सकता हूं। एक एक चीज़ मेरे टिप्स पे है। सेक्टर 16 40-50 साल से जब से फरीदाबाद बना है 2-2 फीट पानी भरता था, आप देखिए जाकर साईं जो हमारे सर्किट हाउस रोड है उस पर नाला बनना चालू है। मेरी कोशिश है इसी बरसातों में पानी से मैं निजात दिलाने की कोशिश करूंगा। सर्किट हाउस 50 साल में 4 कमरे का सर्किट हाउस है। माननीय मुख्यमंत्री से मैंने यहाँ रिक्वेस्ट की, उन्होंने 40 करोड़ रुपए मुझे मंजूर किया है। एक बहुत ही सुंदर बिल्डिंग, उसका नक्शा बन रहा है। मैं भी चंडीगढ़ चीफ आर्किटेक्ट से मिल के आया था, हुडा के PWDK से, बहुत सुंदर एक डिजाइन हम करा रहे हैं। मुझे लगता है कि उसमें बहुत सुंदर एक सर्किट हाउस बनेंगे, एक ऐसा 1000 लोगों के बैठने के स्थान बनाएंगे जिसमें सर्किट हाउस में अब एक सर्व सरकारी अधिकारी और नेता लोग बैठते हैं। पर मैंने मुख्यमंत्री से डिमांड की थी कि मेरे फरीदाबाद में एक ऐसा हॉल होना चाहिए जहाँ 1000 लोग भी कोई दुख दर्द की मीटिंग करना चाहे, एक अलग से गेट बनाकर 2 गेट उसमें बनाएंगे, एक सर्किट हाउस के लिए, एक दूसरा आम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए, जिसमें 1000 लोग अपना कोई कार्यक्रम कर पाए। पहला कंसेप्ट होगा फरीदाबाद में, और 4 मंजिला बिल्डिंग बनेगी, तो इतना सुंदर एक भवन बनने को जा रहा है। तालाब जो हमेशा लोगों ने अनक्रोचमेंट करके भर दिए गए, 2 बुढ़ना तालाबों का टेंडर मैंने दे दिया है, सरकार ने दे दिया है। सीही गांव का 9.5 एकड़ तालाब में उसका भी टेंडर दे दिया है, जो जल भराव की नेचुरल फ्लो था, सीही की तरफ पानी जाता था, 7-8 सेक्टर में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, उसका भी निदान हम करने जा रहे हैं। मुझे लगता है अगले 2-3 महीने में उस सीही पॉइंट पर भी हम काम करना शुरू कर देंगे। अनगिनत काम है, चारों तरफ काम ही काम है। एक खेड़ी रोड जो 4 लेन की बनाने का मैंने पास कराया, बहुत भीड़ रहती है पूरी पब्लिक यहाँ से, जो और विधानसभा के क्षेत्र तिगाम विधानसभा, तो आज सुबह हम जब गए तो लोग कह रहे थे गुप्ता जी की आते समय दिक्कतें आती हैं, जब हम मकान जिस मकान में रहते हैं और हमें लगता है कि ये मकान पुराना हो गया, बड़े भरे दिल से हम उसको तोड़ के
रेनोवेट करने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता है कि रेनोवेशन के जो 3 से 6 महीने और 1 साल तक भी लगेगा, बहुत कष्ट भरा होगा, पर जब 1 साल के बाद जब रेनोवेट हो जाएगा तो उसके एहसास के लिए हम रेनोवेशन करते हैं, वही एहसास जो 3 या 6 महीने बाद रोड पूरी होगी तो जब चलने वालों को होगा कि जब उसके बाद 4 लेन की रोड होगी, बीच में सेंटर लाइट लगी होंगी और बिगर किसी रुके सब लोग उसको क्रॉस करके तेगाम की तरफ जाएंगे, तो उस एहसास की अनुभूति आप समझिए। आप सेक्टर 12 में लोग कहते थे जब यह निकलना मुश्किल था कोर्ट रोड पे, अभी तो उसमें सिर्फ 40% काम हुआ है। लोग बहुत खुश हैं, पूरे फरीदाबाद में विकास कार्य चल रहे हैं, लोग बहुत खुश हैं, लेकिन उनकी 2 बड़ी समस्याएं हैं। एक तो ये पता चल जाए कि कितने दिन टाइम लिमिट डिसाइड हो जाए कि इतने दिन में ये सड़क तैयार हो जाएगी, और दूसरा कोई वैकल्पिक मार्ग। मतलब आज भी लोग कह रहे हैं कि जी ये पूरी सड़क खुद रही है, अब यहाँ आज सुबह मर्डर हुआ, गुप्ता जी हम वहाँ गए, वहाँ गली में मर्डर हुआ, बोले जी अगर ये लोग घायल ही होते, यहाँ 2.5 घंटे में पुलिस की गाड़ी पहुँच पाई है उन डेड बॉडीज को ले जाने के लिए, 2.5 घंटे में एम्बुलेंस पहुँच पाई। वो ये कह रहे हैं अगर ये लोग घायल भी होते तो 2.5 घंटे में अगर ये अस्पताल पहुँचते तो कैसे होता, मर जाते। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि पूरे मेरी विधानसभा से 2.5 घंटे कहीं भी मैं आपके साथ चलता हूँ, आप माइक ऑन रखिए, ऑनलाइन रखिए, आप किसी भी हॉस्पिटल में मेरे किसी विधानसभा के किसी क्षेत्र से भी, मुझे नहीं लगता कि 30 मिनट भी लग पाएंगे। आप 2.5 घंटे की बात करते हैं, मैं सिर्फ 30 मिनट की बात करता हूँ। विधानसभा का कोई कौन आप चूज कर लिए, 30 मिनट में उसके नियर बाई, मैं तो 20 मिनट की बात करूँगा, 15 मिनट की बात करूँगा, पर मैं एकदम 30 मिनट की बात करूँगा कि पूरी जगह खुद भी रहा है, बन भी रहा है, तब भी वहाँ पहुँचेंगे। पर तब भी हमारी जिम्मेवारी बनती है कि बहुत अच्छा आपने हमें सुझाव दिया है और वो हमने लागू कर दिया है। मेरे अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने एक 4 दिन पहले, अभी जैसे YMCA रोड पे आपने शुरू करवाया कि एक तरफ का पहले बनाओ दूसरी तरफ का बाद में बनाना, ऐसी व्यवस्था दूसरी जगह भी। आपका बहुत अच्छा सुझाव है, मेट्रो सिनेमा मेट्रो हॉस्पिटल के सामने जो रोड हमारी 16 एयर 16 की बन रही है, वहाँ भी हमने एडवाइजरी जारी कराई है कि अभी ये रोड कितने दिन बंद रहेगी, उसमें समय सीमा भी लिखी है और वैकल्पिक रूट भी दिया है, मैप बनाकर उसको हम व्हाट्सएप के द्वारा लोगों को सूचित कर रहे हैं। मेरी ACP ट्रैफिक को बुलाया था, 3 दिन पहले मैंने उनसे बात की कि उनमें समन्वय की कमी मुझे नज़र आई। SHO को पता था कि हमारा जो अहमदाबाद का जो बड़ोदरा हाईवे बन रहा है उसका डाइवर्जन BPTP पे किया उन्होंने, ACP की जानकारी में नहीं था, तो मैंने उनसे बोला कि ग्रुप बनाएं, उस ग्रुप में वैकल्पिक मार्गों के बारे में लिखें जिससे सभी जनप्रतिनिधियों को पता हो और वो लोग उसकी पब्लिसिटी करें, लोगों को दिक्कत ना हो। बहुत अच्छा आपका सुझाव है, मैं आपके मैंने पहले भी कई बार कह चुका हूं सौरभ जी, आप बहुत अच्छी समस्याएं उठाते हैं जिनसे जनता को बहुत फ़ायदा होता है उनकी सूचनाएं पाकर, और हम लोगों को भी सीखने को मिलता है। पर मैं आपके माध्यम से जनता को विश्वास दिलाता हूं कि हम 24 घंटे जनता की सेवा में लगे रहते हैं, जो जो चीज़ें हमारे संज्ञान में आती हैं हम अधिकारियों तक पहुँचाते हैं और उनको टाइट करते हैं कि वो सही तरीके से उन कामों को करें। आपके कहने से पहले ही ये जो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करने की परंपरा जिला प्रशासन के द्वारा शुरू कराने की हमने शुरुआत कर दी है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। और एक ये ओल्ड फरीदाबाद का जो अस्पताल है जिसका निर्माण शुरू हुआ फिर रुक गया फिर अब पता नहीं क्या पोजीशन है, उस पर भी थोड़ा सा मतलब आम जन चाहता है। मैं रुक गया था, आपने मुझे रोक दिया था, मेरे डेवलपमेंट के काम हैं हॉस्पिटल और स्कूल बिल्डिंग के लिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि लोकल अर्बन बॉडी के द्वारा ये दोनों बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। ये नगर निगम के लिए उस कमेटी के लिए मुझे लगता है अगले 15 से 25 दिन में सब अधिकारियों को लेकर मैं इसका दौरा करूंगा, और क्योंकि इसकी स्पीड बहुत कम है, इस पिछली मीटिंग में मैंने उनको डायरेक्टली बोल दिया है कि इसका मेरे को सारा डिटेल लेके बताएं कि इसको बिल्डिंगों को कब तक पूरा करा जाएगा। जैसे ही उनका कोई जवाब आता है तो हम इसकी साइट इंस्पेक्शन रखेंगे, और फरीदाबाद के जितने भी आपके माध्यम से बताता हूँ ULB के जितने भी काम में क्वालिटी वाइज कोई शिकायत मिलेगी या हमारे संज्ञान में आएगा, सुमोटो लेकर हम उनका खुद विजिट करेंगे। पूरे कमेटी के मेंबर्स 9 विधायक साथी हैं, सबको लेके मैं आके उनका विजिट करूंगा। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि निश्चित ही फरीदाबाद में जो एक कंसेप्ट है लेट लतीफी का दूर होने जा रहा है। ठेकेदारों को सही समय पर काम करना होगा, अधिकारियों को भी इस पर संज्ञान लेना होगा कि कितने टेंडर्स उन्होंने दिए हैं, कितना उन्होंने समय दिया है। मैंने अभी लिस्ट मांगी है अपने कमेटी के द्वारा कि हमारे फरीदाबाद विधानसभा नहीं पूरे हरियाणा में जिन वर्क ऑर्डर्स के टाइम बार हो गए हैं उनकी मुझे लिस्ट चाहिए, और उनके बारे में वो क्या करने जा रहे हैं, क्या एक्शन लेने जा रहे हैं। एक मैं अपने माध्यम से ही कहना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे टेंडर्स होते हैं, वर्क ऑर्डर होते हैं जिनकी समय सीमा निकल जाती है और वो काम नहीं होते,
बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होने का डर रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं कि ऐसी चीज़ों के ऊपर भी एक सिस्टमेटिक तरीके से कि नया इंजीनियरिंग पोर्टल है उसमें एकदम पता चलेगा कि इसका कब समय हो गया और क्यों नहीं ये काम पूरा हुआ, तो वो ऐसे ऑटोमेटिक तरीके से काम चल रहा है, क्योंकि जहाँ ह्यूमन इंटरफेरेंस रहता है वहाँ भ्रष्टाचार की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी आईटी सेवी हैं और उस काम में लगे रहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो आपका जो बात थी वो बहुत वाजिब है कि हॉस्पिटल भी और स्कूल भी बहुत डिले हो चुका है, पर हम इसमें सतर्क हैं और कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी इसको पूरा कराएंगे। अब हालांकि वो आपकी विधानसभा का मामला नहीं है, लेकिन चूंकि आप अर्बन लोकल बॉडीज के चेयरमैन भी हैं विधानसभा की जो समिति है, गुप्ता जी ये जो हार्डवेयर प्याली रोड है इस पर पूरे शहर की आंख लगी है। 3 विधानसभाएं इससे लगातार, मतलब फरीदाबाद में सबसे हॉट जो सड़क है ना, अब भी ये जो हम इंटरव्यू कर रहे होंगे ना इसमें 2-3 लोग जरूर पूछ रहे होंगे कि ये भी पूछ लो कि हार्डवेयर पे, मैंने देखा नहीं है पर पूछ रहे होंगे लोग जी, कमेंट्स आ रहे होंगे ये हार्ड है जी। नहीं निश्चित रूप से पूरे फरीदाबाद की बात के लिए देखिए हमारी जिम्मेदारी बनती है अर्बन लोकल बॉडीज की। अभी नेक्स्ट मेरी ट्यूसडे मीटिंग है, मैं दोबारा से एक लेटर लिखवाऊंगा, क्योंकि मेरे को उसके बारे में जानकारी नहीं है कि ठेकेदार क्यों नहीं उस रोड को बना रहा है, क्या दिखते हैं, क्योंकि मैं अभी अपने विधानसभा में ज़्यादा व्यस्त था विधानसभा कामों में। हमारे उस क्षेत्र के विधायक नीरज शर्मा जी भी मेरे मेंबर हैं उस कमेटी के, तो उनको ये मुद्दा उठाना चाहिए उस कमेटी में। पिछली बार वो आए थे, मैंने पूछा था कोई अगर आपका मुद्दा है तो मुझे बताएं, अधिकारियों को बताएंगे, पर मैं खुद संज्ञान लेकर उसके बारे में बताऊंगा और नेक्स्ट आपसे मिलेंगे तो उसके बारे में पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। पर डेवलपमेंट की जो जहां तक बात थी, मेरी 2-3 बातें और बताना चाहता हूं, क्योंकि ओल्ड फरीदाबाद में ज़्यादा फोकस करते हैं पर मेरे लिए तो पूरी विधानसभा को देखना होता है। ओल्ड फरीदाबाद के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी है कि जब हम विदेश जाते थे तो वहाँ पर हम पार्किंग को देखते थे ऑटोमेटिक तरीके से। मैंने खुद एक बार मैं आगे निकल गया, मुझे लगा ये क्या जादू सा हुआ कि कार अंदर गई और पता नहीं कहाँ वो गायब हो गई 2 मिनट के अंदर। उसी तरह की मल्टी लेवल पार्किंग, कार पार्किंग ओल्ड फरीदाबाद की सब्जी मंडी में बनने जा रही है। पुरानी सब्जी मंडी जो थी, पुरानी सब्जी मंडी में हम मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाने जा रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री से समय मांगा है, जब वो समय दे देंगे तो माननीय मुख्यमंत्री से उसका उद्घाटन हम कराएंगे। बहुत सुंदर पार्किंग बनने जा रही है स्मार्ट सिटी के लिए, जहाँ मुझे लगता है कि कार पार्किंग करने का एक अलग ही एक आनंद मिलेगा। बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से उस ऑनलाइन तरीके से होगी, कार को एक जगह आप खड़ी कर देंगे, वहाँ से अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से कार जिस फ्लोर पे पार्किंग की जगह होगी उस जगह में अपने आप वो लेके जाएगी उस फ्लोर पे और वहीं से वो शिफ्ट हो जाएगी। बहुत सुंदर पार्किंग है, दिल्ली में 3-4 पार्किंग ऐसी बनी हुई है, फरीदाबाद में भी पार्किंग नहीं है उस तरह की कंसेप्ट की, तो वो बनाने जा रहे हैं। बराई तालाब जो आपकी बहुत बड़ी धरोहर है फरीदाबाद की, अगला सवाल वही पूछ, तो मैं देखो आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आप एक एक डेवलपमेंट का काम एक एक गली जी वो कृष्णा नगर नहीं पहुंच सकते बिना किसी को साथ। दल बदलुओं की बात करते हो, जो अभी 3 महीने पहले कहता कि मेरे को इस पार्टी से ही मेरी आरती उठेगी, उसको 3 महीने में ही MLA और MP बनने का शौक चढ़ गया, उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। और मेरे आपने देखा होगा पिछले 3 सालों में चुनाव से और आज तक मैंने अपने किसी प्रतिनिधि के लिए भी कोई कमेंट्स नहीं किया, पर कोई व्यक्तिगत अगर कोई ऐसा बोलता है कि कहाँ कृष्णा कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी विधायक लोगों ने आज बनाया है, मैं पिछले 30 साल से कृष्णा कॉलोनी में जाता हूँ। मेरे हर कॉलोनी में हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा का कार्यकर्ता ड्राइंग रूम की राजनीति नहीं करता, वो जमीनी स्तर से जुड़ा रहता है, लोगों से जुड़ा रहता है, दुख दर्द में उसके काम आता है। हम उस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के जिसने देश प्रेम की भावना जनता में जगाई, उसमें वही प्रेरणा के साथ हम काम करते हैं। माननीय मोदी जी के सिपाही हैं, माननीय मनोहर जी के सिपाही हैं, जो जनता के बीच में रह के काम करते हैं, तो उन लोगों की बात ना पूछें तो मेरे कमेंट्स करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। जी बराई तालाब में भी कुछ बना, बराई तालाब का बहुत सुंदर डिजाइन बनाया है, जैसे कि इसका नाम के साथ तालाब जुड़ा हुआ है। पहले एक बार हमारे स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने इसको तालाब को समतल करके इसमें सिर्फ पार्क बनाने की, DR भास्कर का प्रोजेक्ट था वो भी था जिसका भी मैं नाम नहीं लेना चाहता, जैसे ही मुझे जनता ने विधायक बनाया वो मैंने डिजाइन चेक किया और डिजाइन मुझे लगा कि यार इसके साथ तालाब जुड़ा हुआ है, हमारी धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई है, तो वो हमने पहला टेंडर जो इन्होंने बनाया था डिजाइन वो उसको स्क्रैप कराया था और नया डिजाइन तालाब की स्वरूप को बरकरार रखते हुए उसके आसपास की जगह को हरियाली के साथ घूमने के लिए बहुत सुंदर डिजाइन बनाया और जो इसके अंदर मंदिर है उसको भी रेनोवेट करके वहाँ एक रमणीक स्थल बनाने जा रहे हैं। लोगों को एक अलग एहसास नजर आएगा, इधर सब्जी मंडी में मल्टी लेवल पार्किंग होगी
वहाँ पे शॉपिंग सेंटर। जैसे जैसे सीमा जी बड़कल को भरवा रही हैं एसटीपी से, मतलब तो उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती कि यहाँ भी पानी शुद्ध हो और आए और ये भर जाए? पुरानी वाटर बॉडी है, बहुत पुरानी वाटर बॉडी। मेरी बात सुनी नहीं ना, तालाब बनाने का मतलब खाली ये नहीं है कि उसकी खुदाई कर दूं और उसको गंदगी लिए छोड़ दें। देखिए नेचुरल तरीके से मैंने आपको बताया, बुढ़ैना में दो तालाब हैं, ओल्ड फरीदाबाद के बराही तालाब है और सीह का तालाब है। खाली तालाब में पानी कहाँ से आएगा? हम जमीन से पानी नहीं लेके आने वाले, सीवर के पानी को नेचुरल पौधों के द्वारा उसके पास करके सीवर के पानी को बरसात के पानी को उसके द्वारा उस तालाब को हम भरेंगे और वो रिचार्ज भी होगा और लोग उसमें इतना साफ पानी करने की कोशिश है कि जो हमारा भड़कल का कंसेप्ट है उसी कंसेप्ट के अनुसार क्वालिटी ऑफ वाटर यहाँ मिलेगा हमें। गुप्ता जी हमें समय देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ आए, मेरे से बात की, मेरे वर्जन, मेरा अपने विधानसभा के बारे में मेरे सब बातें आपने तो चाहते हैं और हमारे लोग भी चाहते हैं, जो लोग देखते हैं ना वो भी चाहते हैं कि आप हर हफ्ते वॉइस ऑफ फरीदाबाद पे बैठें, लाइव हों और उनके साथ बातचीत करें। जब आपको कोई लगता है कि फरीदाबाद की मेरी विधानसभा की कोई समस्या है, निसंकोच आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं भी कोशिश करूँगा आके आपको अपनी व्यूज बताऊँ और आपकी कुछ कमियाँ हमारे से हो रही हैं तो वो आपके आपके द्वारा कोई संज्ञान में लाई जाएंगी तो उनको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। और आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर है। विधानसभा में मैंने डेवलपमेंट के लिए उनसे कुछ मांगा था, उन्होंने 141 करोड़ रुपये फरीदाबाद विधानसभा के लिए नगर निगम को दिए। FMD के द्वारा सबसे ज़्यादा काम यहाँ हो रहे हैं। अब तिगाम में रैली हुई थी, जो जो मैंने डिमांड रखी सब उन्होंने मांग ली और मुझे उम्मीद है और मैं आपके माध्यम से फरीदाबाद की जनता को, वैसे अभी बोलना बहुत जल्दबाजी है कि जब मैं 5 साल का रिपोर्ट कार्ड दूंगा तो सबसे ज़्यादा पिछले 81 जब हमारा फरीदाबाद जिला बना और आज 2024-25 में इस पीरियड में हर 5 साल का आप बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट की राशि और काम आपको देखने को मिलेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सेलेंट।